जाने वाले इस पर बात कर लेते हैं। मारुति ने जून तिमाही के अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए। कमजोर नतीजों के बाद शेयर में 1.5% की तेजी देखने को मिली है। नतीजों पर ज्यादा जानकारी के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए, मारुति के नंबर्स कैसे रहे? मारुति सुजुकी के नंबर्स अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे तो वीक है, और अगर आप एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने भी कंपेयर करेंगे तो थोड़ा वीक सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किया है मारुति ने। अगर आप एबिटा फ्रंट में देखते हैं तो करीब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 21% का फॉल देखने को मिला है, और एनालिस्ट एस्टिमेट्स अगर आप करेंगे तो करीब 300 करोड़ का मिस देखने को मिला है एबिटा फ्रंट में। मार्जिन्स भी कम हुए हैं, करीब 7.2% पे आए हैं, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे करीब 45% का फॉल देखने को मिला है। अब कंपनी का अगर हम एबिटा फ्रंट पे पहले देखते हैं तो कंपनी ने कहा है कि कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स थे और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स थे। पॉजिटिव साइड में फॉरेन एक्सचेंज करेंसी फेवरेबल था कंपनी के लिए और प्राइस हाइक भी लिया था कंपनी ने, तो ये दो पॉजिटिव फैक्टर्स थे। बट नेगेटिव जिनकी वजह से मार्जिन में हमें ये डिक्लाइन देखने को मिला था वो कारण थे, पहले तो कमोडिटी प्राइजेस काफ़ी बढ़ चुके थे, उसी के साथ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कंपनी का कम था, और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण हमें ये मार्जिन में क्यू ऑन क्यू बेसिस में ड्रॉप देखने को मिला है। उसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा है कि शॉर्टेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की शॉर्टेज होने के कारण वो करीब 51,000 व्हीकल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए जिनके ऑलरेडी ऑर्डर्स मिल चुके हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि करीब 2.8 लाख व्हीकल्स ऑर्डर बैकलॉग पे चल रहे हैं कंपनी के लिए एंड ऑफ द क्वार्टर पे, बट कंपनी इस पे काम कर रही है सो दैट वो इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सके। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट फॉल काफ़ी ज़्यादा था, करीब 45% था, क्योंकि अदर इनकम में एक शार्प फॉल देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी ने M2M मार्क टू मार्केट लॉसेस बुक किए थे फर्स्ट क्वार्टर में। करीब 81 करोड़ का अदर इनकम कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में जनरेट किया एज कम्पेयर टू 440 करोड़ जो हमें पिछले क्वार्टर में दिखा था। एक शार्प फॉल देखने को मिला है अदर इनकम में, जिसके कारण 45% ड्रॉप हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने मिला है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में। बिल्कुल, तो ये तो थे मारुति के नतीजे, अनुमान से कमजोर यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा टाटा मोटर्स के भी नंबर्स आने वाले हैं।